डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर थ्री। टुडे आई एम टीचिंग यू एडिशन बाय 104। 104 से एडिशन, उसके बाद एक्सरसाइज 3.2। टुडे आई एम टीचिंग यू एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस क्लास आई टीच यू एक्सरसाइज 3.1। देखिए, फाइंड द सम यूजिंग हंड्रेड चार्ट। 100 चार्ट का प्रयोग करके सम निकालना है। एक एग्जांपल समझाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में समझाते हैं। एक्सरसाइज आपका हो गया 3.2 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड सम यूजिंग 100 चार्ट। तो ए नंबर क्वेश्चन है। ए नंबर का फर्स्ट, 34 + 5 = बढ़ना आपको वाट, बॉक्स में भर देना है, 100 चार्ट से बनाना है। तो यानी स्टार्ट एट 34, यहाँ स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एट 34, उसके बाद मूव फॉरवर्ड 5 वंस, यानी 34 से स्टार्ट करके अब 5 वंस मूव करेंगे फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे, 5 वंस को जोड़ेंगे उसमें, यानी तब लिख देंगे 34 + 5 = आपका 39, यानी आंसर यहाँ 39 आपका आंसर हो गया। इस तरह से 100 चार्ट से बनाना है। जैसे मान लीजिए कि ये वंस वाला था, अब 3 नंबर जैसे क्वेश्चन है, ये नंबर में 53 + 19, तब स्टार्ट उसी तरह लिखेंगे, स्टार्ट एट 53, मूव फॉरवर्ड 110 एंड 9 वंस, यानी 110 और 9 वंस, यानी 19 को लिख देंगे, 110 और 9 वंस फॉरवर्ड करेंगे, यानी अब 53 + 19 ऐड करेंगे तो 272 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 4 है, इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 ए में का ही 72 + 20 इक्वल टू, बॉक्स में बताना भरना है आपको, ये 100 चार्ट से ये एडिशन बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे स्टार्ट एट 72, मूव फॉरवर्ड यहाँ 20 है, तो 20 यानी कितना टेंस, 2 टेंस है, तो मूव फॉरवर्ड 2 टेंस, कितना 2 टेंस, यानी 72 + 20 = 92, यानी यहाँ 92 भर देंगे, इसका आंसर 92 हो जाएगा। इस तरह से ए नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। बी में सीधा कह रहा है फाइंड ईच सम। बी नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड ईच सम, यानी सबको जोड़ना है। यहाँ 1 में दिया हुआ है 32 + 10 = बॉक्स, ये 32 में 10 जोड़ देंगे, यानी 32 और 10 42 हो गया। इसी तरह से सबको जोड़ के फुल ईच देना है। जैसे मान लीजिए 8 नंबर में है आपका 62 + 24, इसको जोड़ लेंगे 46 + 6 = 8, 86 हो गया जोड़ने पर। अब उसके बाद एक्सरसाइज हम 3.2 में ए और बी क्वेश्चन है, इसको बना लेना है, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे।
एक्सरसाइज 3.3 में कह रहा है आपका कि फाइंड इट सम यू में यूज प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स टू हेल्प, मतलब सम निकाल लेना है। आप प्लेस वैल्यू बॉक्स ले सकते हैं, प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स टू हेल्प, जैसे 23 क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट है 23 + 48, यानी प्लेस वैल्यू ब्लॉक्स लेने के लिए कह रहा है, यानी 23 ले लेंगे बॉक्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 20 हो गया। और उसके बाद 23 ब्लॉक्स लेना है, तो 3 ब्लॉक्स और ले लेंगे, यानी 3 ब्लॉक्स और यहाँ ले लिए, 23 हो गया। उसके बाद उसमें जोड़ना है 48, तो यहाँ लेंगे आप 48 ब्लॉक्स, कितना लेंगे 48 ब्लॉक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 का ब्लॉक करके 4 लाइन लगेंगे, 4 लाइन्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23 ब्लॉक्स लिए, 48 ब्लॉक ले लिए। अब इसको जोड़ के लिए 23 या 48 ब्लॉक जोड़ेंगे, अगर इसको रिग्रूप करते हैं टू ब्लॉक्स टूगेदर, तो लोग एक काम करते हैं तो इसको रिग्रूप करते हैं तो कितना आता है, यानी 10 वंस को 110, यानी यहाँ 10 को पहले देखेंगे, 10 वाला 2 है, 12 4 है, 48 और 20 कितना हो गया 48, तो यानी 8 3 11 का 1 और 4 2 6 1। इस तरह से ब्लॉक बना के तब ब्लॉक में रिग्रुप करके तब इसको बनाना है, यानी एक्सरसाइज 3.3 इस तरह से बना लेना है। उसके बाद थ्री पॉइंट थ्री में वही एक क्वेश्चन है, उसको बना लेना है। उसके बाद 3.4 देखिए, इसमें पहला ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐड, ऐड करना है यानी जोड़ना है, तब 52 + 24 वन नंबर में कॉलम मेथड में दिया हुआ है, 52 24 प्लस का सिंबल देंगे, 4 2 6 और 5 2 7 इसका सम निकाल देंगे, हो गया ये आंसर आ गया। अगर कैरी आए तो कैरी लिख लेंगे तब जोड़ेंगे। उसके बाद बी नंबर में कह रहा है, यानी देखिए जैसे इसकी इसी का एट नंबर देख लीजिए, 96 और 63, 6 6 और 3 9 है, 9 6 15,
उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, कॉपी कॉपी एंड कंप्लीट कॉपी एंड कंप्लीट, यानी कि इसको कॉपी कीजिए या इसको कंप्लीट कीजिए, इसको जोड़ना है ठीक है। वन नंबर 415 78 8 by 13 का 3, यहाँ कैरी क्या बचा, 1 बचा है, 8 by 13 का 3 लिखा तो कैरी 1 बचा, 718 और 1 कैरी जोड़ेंगे 9, आपको उसी तरह उतार देंगे, यानी इस तरह से ऐड बना लेना है ठीक है। अब आपका एक्सरसाइज 3.1 3.2 3.4 बनाना है। 3.4 में एक और क्वेश्चन आपको देंगे, 267 65 प्लस, यहाँ 1 दिया हुआ है, उसके बाद 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ 9 दिया हुआ है बीच में, 7 और 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 2 कैरी 1, कैरी 1 जो पहले से यहाँ दिया गया है, तो कैरी 1 6 और 2 जोड़ेंगे 6 2 8 1 9 8, 2 यहाँ उतर जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसमें का आप लोग बना दीजिएगा, यानी टू एक्सरसाइज 3.1 3.2 3.3 and 3.4 कंप्लीट योर होमवर्क इन फेयर बुक, योर होमवर्क विल बी चेक आफ्टर ओपनिंग एन स्कूल।